दक्षिणी दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में दिन दहाड़े चली गोली। बीच सड़क पर फर्नीचर कार पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आपसी रंजिश में यह हमला हुआ है। हमला धामी पहलवान के फर्नीचर कार पर हुआ है। अपराधी घात लगाकर बैठे थे और हमलावरों ने धामी पहलवान के फॉर्चुनर कार जो उनके घर के सामने आई, उसके बाद 3-4 लड़कों ने फॉर्चुनर कार पर कई राउंड फायरिंग किया। गोली लगने के कारण धामी पहलवान के ड्राइवर जिसका नाम लकी है उसको गोली लगी है, जिसका इलाज फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी ने बताया कि धामी पहलवान हत्या के मामले में पहले से आरोपी है और फिलहाल बेल पर है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने बताया कि धामी पहलवान पर हत्या का आरोप है। उसी के जानकार ने बदले की भावना से धामी पहलवान पर हमला किया है। जिस तरह से दिन दहाड़े बीच सड़क पर अंधाधुंध गोलियां चली है, इस तस्वीर को देखकर गैंगवार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जब दिन दहाड़े बीच सड़क पर देश की राजधानी में अंधाधुंध गोलियां चलती है, उस वक्त दिल्ली पुलिस कहां पर थी? ऐसा लगता है देश की राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है जिन्हें दिल्ली पुलिस का कोई खौफ नहीं है।